नमस्ते दोस्तों, केयर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम फिनरॉट डिजीज के बारे में कुछ चीजें जानने वाले। ये क्यों और कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, ये क्यों और कैसे होता है। अगर वेदर कोल्ड है और पानी ठंडा हो रहा है तो ऑब्वियसली फिश को फिनरॉट होना है क्योंकि फिश अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर पाती है और जैसे पानी 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाना चालू हो जाता है, फिश की तकलीफ चालू हो जाती है। दूसरी चीज, जब आपका टैंक साफ नहीं है, आपका पानी साफ नहीं है, उससे भी होता है कि अमोनिया अगर बहुत ज्यादा हो जाता है आपके पानी में तो फिनरॉट चालू हो जाता है। अगर आपके टैंक में स्टोन्स है और आप स्टोन्स को निकाल के साइफन नहीं करते तो गाइस उससे भी होता है फिनरॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हीटर नहीं होगा अगर आपके टैंक में तो गाइस फिनरॉट होते रहेगा क्योंकि हीटर एक मस्ट है टैंक में। और लास्ट पॉइंट जो है वो है चेंज ऑफ वाटर। चेंज ऑफ वाटर जैसे सडन चेंज हो गया, अगर आपने आपके फिश को नई फिश को लाया और डायरेक्टली पानी में डाल दिया तो उस पर जाहिर सी बात है कि उसको फिनरॉट होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है। आप फिश के जो फिन्स है आप उसे स्कैंटी देखोगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखेंगे पूरे बॉडी पर, आंख पर, फिन्स पर। और आपकी फिश नहीं खा रही होगी तो समझ जाइए कि आपकी फिश बीमार हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आपकी फिश स्विम नहीं कर रही हो प्रॉपरली, मीन्स जैसे थोड़ा स्विम कर रही है फिर रुक जा रही है। सो गाइस, ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हुए, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। आपको 60% वाटर निकालना है, मुट्ठी भर के सॉल्ट डालना है उसमें और थोड़ा सा मिथाइल ब्लू भी डाल दीजिए, जितना रेकमेंडेड होता है उतना डालिए। 5 से 7 मिनट तक रखिए, याद रखिए 7 मिनट से ऊपर ना कीजिए क्योंकि आपकी फिश को बहुत तकलीफ हो सकती है क्योंकि सॉल्ट बैक्टीरिया मारते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी फिश को भी मार सकता है। तो 5 से 7 मिनट से ज्यादा ना टाइम लीजिए और फिर से पानी भर दीजिए और ये प्रोसीजर 1 से 2 दिन तक दोहराइए। और अगर आपकी फिश को आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फिनरॉट हो गया है तो गाइस सेम प्रोसीजर कीजिए, 60% पानी निकालिए, सॉल्ट डालिए और एक चीज याद रखिए, आपको उसमें टेट्रासाइक्लिन डालना है, एक दवाई है ये टेट्रासाइक्लिन। अगर आपका 1 फीट का टैंक है तो आपको 1 कैप्सूल डालना है 1 से 1.5 फीट के टैंक के लिए। और अगर आपका 2 से 3 फीट का टैंक है तो आपको 2 कैप्सूल डालना है। और याद रखिए गाइस, ये मेडिसिन कभी भी ज्यादा ना डालिए, जितना बताया गया है उससे डालिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, फिर से नमस्ते।